मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो दौड़ो खेलो लड़ो सब कुछ। एक बार मैच खत्म हो जाए तो ये मत सोचो कि तुम हारे या तुम जीते, बल्कि अपने आप से पूछो कि डिड आई गिव इट माई वेरी बेस्ट और नॉट, डिड आई गिव इट माई वेरी बेस्ट और नॉट। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, देन यू आर अ विनर। मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलते सुना है कि काश मुझे एक और चांस मिल जाता, मुझे एक और मौका मिल जाता, बस एक चांस, बस एक चांस। इस बार मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ता, अपना 100% अपना बेस्ट देता, बस एक और मौका मिल जाता। तो दोस्तों, ये न्यू ईयर के साल आपको डिसाइड करना है, दोस्तों ये न्यू ईयर के साथ आपको डिसाइड करना है कि इस बार आप जान लगाओगे या हर बार की तरह इस बार भी आप जाने दोगे। अगर 12th में हो तो आपको आपकी लाइफ के लिए, आपकी एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए अभी भी 5 मंथ मिलने वाले हैं, याद रखे 5 मंथ्स मिलने वाले हैं। और अगर आप 11th में हो तो आपको आपकी एग्जाम और आपकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए अभी भी 15 मंथ्स मिलने वाले हैं। वैसे तो मैं ये कहूँ तो अच्छा रहेगा कि बस अभी 15 महीने ही बाकी है और 12th के लिए बस अभी 5 महीने ही बाकी है, लेकिन ये टाइम भी एक रैंकर स्टूडेंट के जिसको अच्छे से पढ़ाई करनी है उसके लिए कम नहीं है। तो दोस्तों, स्टार्ट योर रीडिंग, डू योर बेस्ट। फिर ऐसा माइंड में ना आए एग्जाम खत्म होने के बाद कि अगर पहले पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, पहले हमारे सर की हमने सुन ली होती तो अच्छा होता। तो दोस्तों, डिसीजन आपका है कि इस बार आप जान लगाओगे या हर बार की तरह इस बार भी आप जाने दोगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप विनिंग, बेस्ट लक।